हे गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल हॉरर एंड थ्रिलर मूवी के बारे में, जिसका फैंस काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। और इस मूवी का नाम है भूल भुलैया 2, जिसको अनीस बाजमी ने प्रेजेंट किया है। और ये मूवी कार्तिक आर्यन और कायरा आडवाणी की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसको देखने के लिए फैंस काफी हाइप है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हे गाइस, दिस इज राम एंड यू आर वॉचिंग टू आरएमएफ टीवी चैनल। इस मूवी में हमें हॉरर और ह्यूमर का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फिल्म लंबे टाइम के बाद सिनेमा हॉल्स में रिलीज होने जा रहा है, जिसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। इस मूवी के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने इस मूवी के लिए कार्तिक आर्यन, कायरा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव और इमरान हाशमी जैसे कलाकारों को इस मूवी के अंदर प्रेजेंट किया है। ये फिल्म भूल भुलैया 1 की तरह है, जिसे प्रियदर्शन ने प्रेजेंट किया था, लेकिन भूल भुलैया 2 को अनीस बाजमी प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमें हॉरर का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। और थोड़ी सी बात करते हैं अनीस बाजमी के बारे में, तो इन्होंने वेलकम, सिंग इज किंग, पागलपंती और वेलकम बैक जैसी कॉमेडी फिल्मों को प्रेजेंट किया है। तो इनकी फिल्मों को हल्के में ना लेते हुए अब हम बात करते हैं मूवी के ट्रेलर के बारे में, जो 3 मिनट 12 सेकंड का है। और इस मूवी के ट्रेलर की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। और इस गाने की लाइन जब गूंजती है तो ट्रेलर में हॉरर इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हॉरर हवेली की तस्वीर के साथ तब्बू की आवाज सुनने को मिलती है। 15 साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजू। फिर कार्तिक आर्यन की एंट्री होती है, जिनमें उनका नाम रूहान रंधावा होता है, जो रू बाबा के भेष में नजर आते हैं। और इनको हवेली की आत्मा को काबू करने के लिए बुलाया जाता है, और इनका ये मानना है कि वो खूंखार आत्माओं को काबू करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद शुरू होती है इस मूवी की स्टोरी, यानी भूत पकड़ने का गेम। और इस मूवी में जबरदस्त कॉमेडी के साथ हमें राजपाल यादव देखने को मिलते हैं, और साथ में रीत ठाकुर यानी कायरा आडवाणी भी। और इस मूवी में कायरा आडवाणी कार्तिक आर्यन के साथ लव इंटरेस्ट का रोल प्ले कर रही है। और इसी दौरान हवेली में मंजुलिका की चर्चा होने लगती है। कोई कहता है कि इसकी आत्मा अस्तित्व में ही है, तो कोई कहता है कि ये सिर्फ अफवाह है। इन सबको देखकर रू बाबा कहता है कि वो उस दरवाजे को खोल देगा जिसमें मंजुलिका की आत्मा बंद है। फिर एक दिन वो नशे की हालत में उस दरवाजे को खोल देता है, और इसके बाद मंजुलिका की आत्मा बाहर आ जाती है और हवेली में अजीबोगरीब घटना होने लगती है, और इन सबका जिम्मेदार रू बाबा को ठहराया जाता है। फिर महल में हो रही घटना को देखकर रू बाबा रीत के साथ भाग जाने की प्लानिंग बनाता है, लेकिन रीत इस चीज को देखकर ये कहती है, तुम्हारी वजह से मंजुलिका बाहर आई है, सबकी जान खतरे में है, भागते हैं। हम ठाकुर हैं और हम मुसीबत से कभी भागते नहीं हैं। तो हम भी रंधावा है, मुसीबत आती ना निकल लेते। ये फिल्म बॉलीवुड की मार्का फिल्मों की तरह है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये 2022 की टॉप सक्सेस फिल्मों में से एक होने वाली है। और इस फिल्म में 2 गानों को रिक्रिएट किया गया है, नंबर 1, नंबर 2। और ये सॉन्ग इस मूवी के अंदर मेल वर्जन में भी सुनने को मिलेगा, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है। तो देखते हैं ये मूवी रिलीज होने के बाद क्या गुल खिलाती है। और ये मूवी हमारे नजदीकी PVR में 20 मई को रिलीज होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।